आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने, दिल्ली में सीलिंग और रिटेल में एफडीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। सीलिंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, एफडीआई हाय हाय। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपने 20 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने, दिल्ली में सीलिंग और रिटेल में एफडीआई के खिलाफ आपके कार्यकर्ताओं ने संसद भवन तक पैदल मार्च किया। इस दौरान भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एमसीडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर पिछले 2 महीने से दिल्ली में सीलिंग चल रही है। संसद मार्ग पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार से फौरन कानून बनाने और अध्यादेश लाने की मांग की। सीलिंग को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि केंद्र सरकार कानून के अंदर बदलाव लाए, केंद्र सरकार अध्यादेश लाए और डीडी अपना मास्टर प्लान बदले। ये बात ना बता के व्यापारियों को गुमराह किया जा रहा था। कई महीने गुमराह करने के बाद अब एमसीडी के तीनों हाउसेस ने मान लिया कि हाँ, केंद्र सरकार को कानून के अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, डीडीए को मास्टर प्लान 2021 को बदलना पड़ेगा। साथ ही दिल्ली में आपके 20 विधायकों की बर्खास्तगी मामले में आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने भी संसद भवन के सामने बैठकर विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का विरोध किया। नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाने जा रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने एमसीडी और केंद्र में बैठी बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रखा है। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।